अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फायर ब्लॉग्स। तो आज जो है, जैसा कि आप लोगों को टाइटल से समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि एक जो कलर है और एक टी शर्ट है और जो शर्ट है वो हम लोग पूरे साल में एक दिन पहनते हैं, और वो एक दिन हम लोग क्यों पहनते हैं उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि वो दिन आज का है। और आज क्या है? आज है 14 अगस्त, आज़ादी का दिन, वो हमारी आज़ादी का दिन। तो इसी तरीके से परदेश में रह के हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को इन्जॉय करते हैं, किस चीज़ किस तरह से इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जाहिर है तो आपका जो है वो मुल्क नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस तो होती हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं आपको वहाँ का कानून जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ये चीज़ तो सबको पता है कि है, जहाँ पर आप रहते हैं आपको वो चीज़ फॉलो करनी है, उस कानून को फॉलो करना है लाजमी। तो इसी तरीके से हम लोग जहाँ पर हैं, जहाँ सऊदी अरब में हैं, जद्दा में हैं, मेरा ताल्लुक, ये टी शर्ट नहीं है वो वाली, ये टी शर्ट इसलिए मैंने पहनी क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो कराची से है, तो इस वजह से ये मैंने टी शर्ट पहनी है, मेरे पास थी तो मैंने पहनी, ठीक है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ उस टी शर्ट्स की, उस शर्ट्स की जो हम लोग लेते भी हैं और हमारे पास सारा साल जो है वो रखी भी रहती है। कहाँ रखी रहती है? अलमारी में रखी रहती है, जो आज के दिन निकलती है। तो इसी तरीके से काफ़ी लोगों ने निकाली होंगी और काफ़ी लोगों ने जो है वो ख़रीदी होंगी, परचेज़ की होंगी, और उसको पहना होगा ये दिखाने के लिए कि हम अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं। परदेश में रह के परदेसी जो है इस चीज़ को ज़्यादा फील करता है, ख़ास तौर पे आज के दिन को। ये बात बहुत से लोग मेरी बात को मानेंगे इस चीज़ को कि परदेश में जो रहता है वो आज के दिन को जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करता है, ख़ास तौर पे, क्योंकि जो सेलिब्रेशन, जो खुशी हम लोग पाकिस्तान में रह के इन्जॉय कर सकते थे एक दूसरे के साथ, वो चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। फिर भी यहाँ पर कुछ लोग हैं माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्टाइल में जो है ना इस चीज़ को, इस दिन को इन्जॉय करें। मेरे पास कुछ क्लिप्स होंगे जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से इन्जॉय होता है, किस तरह से लड़के यहाँ पर इन्जॉय करते हैं, पाकिस्तानी सारे किस तरह से यहाँ पर इन्जॉय करते हैं इस दिन को, 14 अगस्त को, किस तरीके से मतलब सारी फैमिलीज़ जो हैं अपने बच्चों को जो है वो ग्रीन कपड़े, ग्रीन कमीज शलवार, ग्रीन एंड वाइट के कॉम्बिनेशन बना बना के जो है ना लेके जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं अपने इलाके में, अपने घरों में, और काफ़ी लोग जो हैं इस चीज़ को जो है वो एंजॉय करते हैं दूसरे मकाम पर जाके, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो वसाइल हैं वो यही, अपने वसाइल के अंदर जो है वो यहाँ पर यही काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आज मेरे पास भी जो मेरे वीडियो का जो टाइटल है, मैंने नहीं ख़रीदी और ना मेरे पास ग्रीन कलर की कोई ख़ास पाकिस्तान की फ्लैग वाली शर्ट है, मेरे पास नहीं है और ना मैंने वो ख़रीदी थी। तो मेरे पास भी एक शर्ट होती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है, तकरीबन 2-3 साल से वही शर्ट है मेरे पास। तो वो जो आज का दिन होता है वो मैं उसी दिन निकालता हूँ, तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊँ, वो आज जो है मैं वो टी शर्ट निकालूँगा और उस टी शर्ट को निकाल के पहनूँगा, और जिस तरीके से भी हम इन्जॉय करना चाहें, थोड़ा सा घूम लें, फिर लें, बाहर जाएँ और इन्जॉय कर सकते हैं। रात में यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेशन हुई थी क्योंकि 13 अगस्त था रात में, तो मैं ये अभी 14 अगस्त की वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी लेट बना रहा हूँ। मैंने जो प्लान किया है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कॉर्निश में, और कॉर्निश यहाँ पे कहते हैं सी साइड को, सी व्यू, जो हम लोग कराची में सी व्यू कहते हैं जैसे, तो कॉर्निश यहाँ पे जो है वो सी साइड को कहा जाता है। और हमारा प्लान बना है, हम थोड़ा सा सी साइड में जाएंगे, थोड़ा सा बस घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, कैसा वेदर है। तो आ जाएँ और अपना थोड़ा सा जो है वो दिल को खुश करने के लिए, अपने 14 अगस्त 14 अगस्त को इन्जॉय करने के लिए, मुल्क से मोहब्बत को जो है वो हम अपने शो करने के लिए, सब अपने अपने जो है ना वो कपड़े ग्रीन कलर में पहनते हैं, ग्रीन एंड वाइट कॉम्बिनेशन में पहनते हैं। तो मैं भी आज वो शर्ट निकालूंगा और पहनूंगा, क्योंकि आज 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, हमारे सेलिब्रेशन का दिन है। इसी तरीके से जैसे आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, कल यहाँ पर जो है वो तिरंगा लहराएगा, तिरंगे से मुराद के इंडिया का कल सेलिब्रेशन का दिन होगा, तो इंडिया भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करता है जितना, लेकिन इंडिया उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करता जिस तरह से पाकिस्तानी जो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक मखसूस जगह है यहाँ पर अजीज़िया के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है। कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों को उसके दिखाऊँगा जो मेरे पास हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही होती है। इंडिया के अंदर इस तरह से सेलिब्रेशन नहीं होती, वो ज़ाहिर है उनके अपने अपना हिसाब किताब है, वो अपने तरीके से उसको एंजॉय करते होंगे, वो भी इसी तरीके से कपड़े पहनते होंगे, वो भी इसी तरीके से अपने फ्लैग्स लेते होंगे, बैजेस लेते होंगे, सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से जो है वो उसको एंजॉय करते होंगे। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना खुल के
खुल के जो है ना इस चीज़ को यहाँ पर इंजॉय करते हैं। काफ़ी लोगों को इसके नुकसान भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को किसी चीज़ पर फाइन पड़ गया, किसी को किसी चीज़ पर पकड़ लिया गया, वो सब चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। लेकिन ये है कि फिर भी जो है ना वो हम लोग बाज नहीं आते हैं, हम लोग हर साल जो है हम लोग इसी तरीके से इसको इन्जॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जज्बा इतना ज़्यादा होता है यहाँ पर लोगों का कि वो उस चीज़ को जो है वो दबा नहीं पाते। चले हम लोग भी जो है अपना, मैं अपनी निकालता हूँ टी शर्ट पाकिस्तान की, पाकिस्तान की जो शर्ट मैं निकालता हूँ अपनी अलमारी से, जो मैंने पिछले साल निकाली थी और वो आज निकालता हूँ दोबारा से, निकालते हैं और जाते हैं थोड़ा सा घूमते हैं। कुछ कॉर्निश के शॉर्ट्स होंगे वो आपको दिखाऊंगा जो मैं लूँगा, और उसके बाद वीडियो ख़त्म नॉर्मल। तो चलें आ जाएँ हम लोग, चलते हैं शर्ट निकालें फिर कॉर्निश। इब्राहिम बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। इब्राहिम भी तैयार होकर आया हुआ है, फुल ग्रीन होकर आया हुआ आज इब्राहिम। अभी अभी सो के उठा है, मैंने बोला आ जाओ थोड़ा नज़ारे करो समंदर के। 14 अगस्त सलवार नज़र आ रही है इब्राहिम की, सलवार भी बनाई है हमने इसको। इब्राहिम टाटा टाटा कर दो, टाटा नहीं कह रहा भाई, नींद में है लड़का, नींद में है लड़का, इधर। अच्छा ये है वो जगह जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, जहाँ पर अजीज़िया में पूरी आवाम जो है ना पूरी जवानियाँ जमा होते हैं हमारे, और यहाँ पर बहुत रश होता है। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ पर किस तरीके से सेलिब्रेशन होती है, कुछ शॉर्ट्स हैं उसके बाद वीडियो ख़त्म।